नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। गुजरात में एक पैसेंजर बस हादसे का शिकार हो गई। बता दें, नडियाद के अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, यह यात्री बस सड़क पर लगी रेलिंग तोड़कर 25 फीट नीचे गिर गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि कई घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस अहमदाबाद से पुणे जा रही थी और इस बस में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं नडियाद के एसपी राजेश गड़िया ने बताया कि घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अहमदाबाद से पुणे जा रही थी बस और इस बस में लगभग 23 यात्री सवार थे। वहीं सीमेंट टैंकर के ड्राइवर ने अचानक गाड़ी को बाएं मोड़ दिया जिससे बस को टक्कर लगी और इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है। टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि शुक्रवार को अन्य राज्यों में भी एक सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली गई है। वहीं BRS विधायक लस्या नंदिता की तेलंगाना में सड़क हादसे में मौत हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और इस दौरान एक महिला की मौत हो गई है।